को भजनते में एक तो अत्यधिक व्रत होगा, भोजन कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, किसी दिन मुक्ति होगी किसी दिन क्रिया पद है ना, उस क्रिया में कभी सृष्टि लिए आता है और कभी सुखता होता है। दूसरे रंग से भी भजन करें, मरते समय भी भजन करें, दूसरे रह से भी भजन करें, देश प्रदेश में जहाँ रहे वहाँ भजन करें। तो मोह का अर्थ यह है कि हम इस कपड़े साथ और बचना चाहते हैं, पति पत्नी मिल के भजन करेंगे, बाप बेटा मिल के भजन करेंगे और भोग मोह और सबसे बड़ा तो तांत्रिकों का यही प्रलोभन है। वो कहते हैं कि तुम हमारे मार्ग में आ जाओ तो भोग मोक्ष दोनों मिलेगा, और वेदांतियों के पास जाओगे तो सिर्फ मोक्ष मिलेगा भोग नहीं मिलेगा, संसारियों के पास जाओगे तो भोग मिलेगा मोक्ष नहीं मिलेगा, हमारे पास आओ तो हम भोग और मोक्ष दोनों तुम्हें एक साथ देते हैं। और प्राय उपासना के जितने भी मार्ग हैं वो सब भोग मोक्ष दोनों ही देने का वादा करते हैं। वो तो अपने अपने बेटी का नाम ब्रह्मानंद नहीं रखा जाता, हमारे रामघाट में बिहारी पंडित थे और उनके एक बेटे का नाम नित्य प्रकाश और एक अशुद्ध बोध, दो बेटे थे, एक शुद्ध बोध है और एक नित्य प्रकाश, तो वो मोक्ष किसका नाम रखते हैं ये उनकी अपनी परिभाषा है। कारवास को निधि मोक्ष को ही मोक्ष मानते हैं, पाप किसी जिनको तो ये है कि जिसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है, पाप हाथों को रखा क्या सुना है और पाप उससे प्रत्यय होता है कि बिना भोग के उसकी में पाप सभी बनता है। जैसे तुम्हें सरकार पुरस्कार दे दे 5,000 रूपया तो तुम बड़े आदर के साथ अस्वीकार कर सकते हो कि ये सरकार के किसी और सारे काम में लगा दिया जाए, लेकिन 5,000 जुर्माना कर ले तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको तो उसको तो भरना ऐसे ही है, पाप का फल भोगना पड़ता है थोड़े जाने, पर ये सब कर्म चिंता जो है ना इसका विराम के साथ कोई संबंध नहीं, न कर्म चिंता का और न परलोक चिंता का। परलोक चिंता भी वैराग्य के भी है, ये रामभक्ति परिस्वता जो अधिकरण है, मानव पुरुष आता है और जीवात्मा को देख लिया है, तो वो यही है कि जहाँ जाना पड़ता है वहाँ से खाना भी पड़ता है और वहाँ राजदेश भी होता है, वहाँ से जय विजय आदि से पुजे से करना पड़ा उन्हें करना भी पड़ता है, वहाँ जैसे श्री रामा आदि से संघर्ष हो जाता है वैसे संघर्ष भी होता है, जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग भी होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम भी होता है, ये वेद वेदांत का जो तात्पर्य है वो अनिश्चितता से मुक्त करने में है, वैराग्य में नहीं करना, ऐसा संसार में कहीं भी जो मिलेगा तो सुख रहेगा,
जो पैदा होगा तो मरेगा, जो आएगा तो जाएगा। ये देखो इतने बड़े बड़े शास्त्र शास्त्र जो लिखे होंगे विद्वानों ने, उन्होंने क्या सोच के लिखा होगा कि अब अनंत काल तक हमारी ये विद्या बुद्धि आदरणीय बनी रहेगी। सब कट गया, एक शास्त्र ऐसा नहीं बचा, न्याय पंच को काटा, सांख ने न्याय को काटा, शिव पुराण ने विष्णु पुराण को काटा, विष्णु पुराण ने शिव पुराण को काटा। ऐसा कुछ नहीं है जो एक आत्म सत्ता ऐसी है जिसके अभाव का अनुभव नहीं हो सकता। मत विधि जो संप्रदाय भी इसी कहते हैं, आत्मसत्ता अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा। आत्मसत्ता जो है यही एक ऐसी वस्तु है जिसका अभाव कभी नहीं होता। इसलिए धर्मानुष्ठान भी है तो वैराग्य के लिए है, उसमें भी सकाम की अपेक्षा निष्ठान में वैराग्य अधिक होगा। उपासना है तो एक ही स्थितियों को छोड़कर निन्यानवे से वैराग्य हो जाएगा। जो निरोध है तो समग्र दृष्टियों का ही निरोध देख लेंगे, तो सुक्ति है सबका अभाव देखने के लिए, स्वप्न है अपने निर्माण का सामर्थ्य देखने के लिए। तो ये जो मन की सावत है ना, और खास करके वो देह में ही, और पंचभूत में तो किसी का तादाद में है ही नहीं। कहो कि हम समस्ती पंचकोश से अपने को पृथक चिंतन कर रहे हैं तो समस्ती पंचकोश में तो कभी तादाद में हुआ ही नहीं, प्रतिविधियां लगनी है, उससे निवारण करके आवश्यकता कहां है। आवश्यकता तो केवल देह जब तो भी आकृति और ये जाति और ये संस्कार ठूस के मध्य मंजर को किसने लड़ाया, संस्कारों ने ही को लड़ाया, छोटी दाढ़ी को किसने लड़ाया, संस्कारों ने ही लड़ाया। जिसके दिमाग में जो बात ठूस दी गई वो उसके लिए वही वो फंस गया। वैराग्य को अंतर मानेंगे और निवृत्ति बाह्य से भी संबंध रखेंगे। वैसे तत्व में तो सब आज्ञा भयंकर हो गए, बाहर भीतर सब एक है, बहिरंतक से भी पाना अचरण कर रहे हो सब आज्ञा भयंकर हो गए। अरे देखो ये बात दुनिया का कोई मजहब नहीं बोल सकता। यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्वय, जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है। यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्वय, मृत्यु स मृत्यु गच्छति यह नाने व पश्यति। ये मजहबी बात हो सकती है कभी? मजहबी का मतलब होता है एक आदमी ने एक समय में एक जगह किसी ने अरबिस्तान में, किसी ने यूरोप में, किसी ने अमेरिका में एक पंथ चला दिया मजहब होता है आदमी के द्वारा चलाया हुआ, पर वो कर्तृत्व का भाग होता है कि नहीं? एक वे अद्वैत वेदांत को छोड़कर अपनी कल्पना का बाध करने वाला क्या कोई मजहब है? कुरान शरीफ में लिखा है कि कुरान शरीफ मिट जाता है, वेद में लिखा है कि वेद मिट जाता है, पत्र वेदा वेदा भवन से
न पत्रपात गच्छति न मनो गच्छति असद निरसने न भवन निर्गुणाः। वेद में वेद का भी निषेध है, क्या कुरान शरीफ प्राइवेट में कुरान शरीफ और प्राइवेट का निषेध है। ये एक जो हमारी वैदिक पद्धति जो है वो किसी मजहब के अंतर्गत नहीं है, ये मुरादी है। क्योंकि तो समय समय पर लोग होते हैं अपने पीछे 100% कंपनी को दे देते हैं, 1000-2000 हो जाते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं तो कहते हैं हमारा मजहब कितना बड़ा है कि इतने लोग इसमें, और छोटे होते हैं तो कहते हैं ये कितना दुर्लभ कितना सूक्ष्म है कि इसके अधिकारी ही नहीं बनते हैं। दोनों तरफ से अपनी तारीफ करते हैं। देखो सत्य बोलना धर्म है, ये तो ठीक है, धर्म का निर्णय है, पर कहीं कहीं असत्य बोलना भी धर्म होता है। तो इसके लिए वेद में आज्ञा है, जैसे दिन में विवाह हो रहा हो और वहाँ ध्रुव का दर्शन अरुंधति का दर्शन आवश्यक है विवाह में, तो दिन में तो ध्रुव अरुंधति दिखाई नहीं पड़ेंगे पर वहाँ कहा जाएगा तुम ध्रुव को अरुंधति को अरुंधति को देख रहे हो, तो वहाँ दूल्हे को यही बोलना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं। वहाँ जब ये बोलेगा कि हम नहीं देख रहे हैं तो अशगुण हो जाएगा। अच्छा अहिंसा है, अहिंसा धर्म है, जैनियों की जड़ अहिंसा, किसी से नहीं चल सकती हो, उनके अनुसार में भी थोड़ी थोड़ी चूक तो है कहीं, लेकिन वो जड़ अहिंसा है। और कहीं राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, धर्म का विरोध होने पर, संविधान के अनुसार किसी को फांसी की सजा देने पर, वहाँ तो हिंसा धर्म हो जाएगी। अच्छा 5-6 दिन का आदमी भूखा हो तो उसको कहीं से भी अन्न चुरा के खा लेने का अधिकार है। तो ये सब जो जड़ता है धर्म में, देखो हमारा कहने का अभिप्राय ये है, ये धर्म की जो एकता जो एकांगी बना है वो सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म में एकांगी बना नहीं है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौम है और सर्वकार्मिक भी है। सत्य भी है, सत्य भी है, हिंसा भी है, अहिंसा भी है, स्नेह भी है। तो ये जो जड़ता जो है यही ईश्वर है, इसके सिवाय और कोई ईश्वर है ही नहीं, ये तो एकदम जड़ता है। पूजा के लिए तो भले मान लो, प्रेम के लिए मान लो, सेवा के लिए मान लो, अपनी निष्ठा के लिए मान लो, वो ठीक है, लेकिन कोई ये दावा करे कि बस इतना ही सत्य है तो वो सनातन धर्म के स्वयं प्रचार प्रसार के विपरीत उपाय हो सकता है पर उपाय नहीं है। जिस सनातन धर्म की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें देश विदेश में, उसमें देश विदेश वेद तो एक बहुत छोटे अर्थ में वेद शब्द का प्रयोग कर रहे, सनातन धर्म में जो वेद है जो सनातन वेद का स्वरूप है उसकी दृष्टि से कर रहे, और जो किताब छपी हुई है वेंकटेश्वर श्रेष्ठ से उसी को अगर वेद मानते हो तब तो वेद हो गया। वेद भी सनातन जो है वही वेद है, पुस्तक रूप से पुष्ण जला कर देंगे, आजकल जगजीवन राम का राज्य हो जाए, महामंत्री बन जाए जगजीवन राम तो वेदों को जला ही देगा। और वो वेद वो है जो सनातन है, जो कभी जलता नहीं, जो ईश्वर के जलाए भी न जले वो सनातन है। यहाँ तो इसके लिए लड़ाई हुई ना कि मुगो पियों दाए में भी बाएं, गंगा नाला की लंबा, तो इसी का नाम अगर सनातन धर्म है, लंबे चंदन का नाम तो सनातन धर्म है और आर्य चंदन का नाम जो है वो सनातन धर्म है। और इनके रहते ही जो सनातन धर्म है
वो सनातन है। संकीर्ण पाए विकाय निमित्त हैं ये बने गए थे और इन्हीं में जिनको सनातन धर्म का अनुभव होता है उनको हो जाता है, जिनको नहीं होता है उसकी बने। सनातन में देश विदेश ये सब कुछ नहीं है, पंथ आचार उपासना की केवल एक पद्धति ही पद्धति है ये सनातन में कैसे।